Guys, welcome to your special super cool, super fantastic and the awesome channel that is Yashpal News. And before starting this channel, please click on the subscribe icon and also click the bell icon to get the latest update of this video. हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यशपाल न्यूज़। और देखिए, मैं कुछ लोग अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे या स्कूलों की शुरुआत कब से होगी। बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं उनके स्कूल जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं ताकि वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। अभी भले ही जो है ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस वगैरह चल रही हों और कुछ स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको मोबाइल का पता ही है। मोबाइल गेम में गेम खेलना और इधर उधर की वीडियो देखना उन्हें ज़्यादा शौकीन लगते हैं और वो ज़्यादा शौक से देख भी लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही सही है और मोबाइल में पूरा दिन किस तरीके से बीत जाता है खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन पढ़ाई से संबंधित बातें बहुत ही मुश्किल से हो पाती हैं। तो देखिए, स्कूल रीओपनिंग न्यूज़ अपडेट्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो 1 सितंबर से देश में फिर से खोलेंगे स्कूल, जल्द जारी होगा गाइडलाइन, जाने सरकार की प्लानिंग किस तरीके से यहाँ पर सरकार की अपनी प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 सितंबर से यहाँ पर जो है खुल जाएंगे स्कूल। पूरे देश में अनलॉक का अगला चरण 1 सितंबर से शुरू होना है और इसके लिए अगस्त के महीने के अंत तक गाइडलाइन जारी हो सकती है। यहाँ पर MBA जितने भी कॉलेज हैं या फिर जो आपका BTech कराते हैं ये सब, और मिनी से लेके मतलब छोटे स्कूलों से लेके और बड़े सभी स्कूल खुलने वाले हैं, सरकारी गैर सरकारी सभी स्कूल यहाँ पर खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट मैं आपको देने आ रहा हूँ। पिछले 5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है जब से देश भर में कॉलेज स्कूल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बंद हैं। अभी देश में कहीं भी 2020-2021 सेशन शुरू नहीं हो सके हैं। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। देश में अब कब से पहले की तरह स्कूल चलेंगे, सब इसी प्रश्न पर सवाल तलाश रहे हैं। अब सरकार फिर से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 1 सितंबर से देश के अलग अलग हिस्सों में इस फिर से स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी और बच्चे दोबारा से स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच में स्कूल खोलने को लेकर अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पहले केंद्र सरकार स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है। यहाँ पर प्लानिंग यही है सरकार की कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलें और जल्दी से जल्दी सब कुछ अच्छा सा हो जाए जैसे पहले था, और आप समझ सकते हैं ये चीज़। देखते हैं आगे, पूरे देश में अनलॉक का अगला चरण 1 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है, ये चीज़ आपको पता होगी। इसके लिए अगस्त के महीने के अंत तक गाइडलाइन जारी हो जाएगी और अनलॉक के साथ ही स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। स्कूल खोल दिए जाएंगे तो उसमें नियम और कुछ रूल्स ऐसे बदले जाएंगे जो कि अपने आप को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपको एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है और पढ़ाई करते जाना है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे और इतने परेशान हो जाएंगे क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन स्कूल कॉलेज पर आखिरी फैसला राज्य सरकार पर ही निर्भर करेगा। यह राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह किस प्रकार से बच्चों और टीचर्स के लिए नियम तय करती है। बिल्कुल नए नियम होंगे और नए नियमों के साथ ही यहाँ पर स्कूल खुलेगा। केंद्र सरकार 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीकों से स्कूलों को खोलने का विचार कर रही है। यहाँ पर
देश में दोबारा पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके इसके लिए सचिव स्तर पर भी बात हो चुकी है। सरकार ने इसके लिए मंत्रियों के एक समूह को स्थिति का जायजा लेकर नियम तय करने की जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है कि अगस्त महीने के अंत तक देश को पूरी तरह से अनलॉक करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसी के बाद से स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार पहले 10वीं और 12वीं की कक्षा जो है यहाँ पर शुरू करने वाली है और प्लान कर रही है कि 10वीं और 12वीं कक्षा पहले शुरू कर दी जाए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक की जो है क्लास भी शुरू हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल में सिर्फ 2 सेशन में पढ़ाई होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए इससे पहले जुलाई में सर्वे कराया गया था, लेकिन इसमें अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल ना खोलने की वजह गरीब परिवारों के बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये चीज़ आप जानते हैं, नुकसान हो रहा है गरीब बच्चों का बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है। जो लोग किसी ये सोच रहे हैं कि हमारी जो नॉलेज है या फिर हमारा जो ज्ञान की प्राप्ति है वो अच्छे से चलती रहे, हम आगे की ओर पढ़ते रहें, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान था। और प्रमोट करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रमोट करेंगे तो सभी लोग जो है अच्छे से पास हो गए, तो ये नहीं है। कोई बच्चा अगर मान के चलना मेहनत से पास होना चाहता है, पेपर दे के पास होना चाहता है, उसे इस नंबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसे लगता है कि ये नंबर तो पता नहीं कैसे मिल गए। लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।